हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज है न्यू ईयर और मैं नहा करके हो चुकी हूँ रेडी। मैंने पहना है ये वाला सूट, ये बहुत ही प्यारा सा सूट है, मम्मी ने दिया था। मैं आप सभी को बैक कैमरे से दिखाती हूँ पहले, ठीक है? तो ये है मेरा सूट, आप देख सकते हैं, वुलन सूट है ये, और ये मेरी मम्मी ने दिया था और सिलवा के दिया था अच्छा खासा, मतलब बहुत ही प्यारा। मैंने फर्स्ट टाइम पहना, फिटिंग भी बहुत अच्छी है और प्यारा लग रहा है ना। मम्मी हर साल इसी तरीके से ठंडी में मेरी सारी बहनों के लिए, मेरे लिए सूट लेती हैं और सिलवा करके उसके बाद फिर देती हैं। बहुत ही प्यारी फिटिंग है, मतलब मुझे बिलीव नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा आज न्यू ईयर है, नए नए दिन, नई शुरुआत नए साल की, तो नए कपड़े के साथ करें। वॉश हो गया हुआ नहाने के लिए, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, ठीक है? आप सब भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। नया साल है और हमारा नए घर में पहला नया साल, तो इसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी। भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे इस लायक भगवान ने समझा, चाहे जिस भी बहाने मुझे ये सौभाग्य दिया भगवान ने कि मैं अपने घर में ये 2024 का नया साल शुरू करूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माता रानी आप सभी पे ही अपना आशीर्वाद रखें और आप सभी खुश रहें। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जितने लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं ना, सारे लोग खुश रहें, और जो नहीं भी जुड़े हैं वो लोग भी खुश रहें, जो लोग प्यार करते हैं वो लोग भी, जो लोग नहीं करते वो लोग भी, सारे लोग। मैं तो सबके लिए ही दुआ करती हूँ। मेरी पूजा हो गई और यहाँ पे वाशु है, वो कर रहे हैं, नहा लिए हैं, नहा करके आए हैं। चलिए कर ले दीजिए, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। हमारी पूजा हो गई और अब जा रही हूँ कुछ बनाने, कुछ खा लेते हैं। कुछ लोग आने भी वाले हैं, ऐसे कुछ हमारा बहुत प्लानिंग तो नहीं है कि कुछ ऐसा ऐसा हम करें, कुछ सेलिब्रेट करें। और अभी ये भी आ ही रहे हैं, ये भी आएंगे, मतलब इनके पिताजी आएंगे, तो फिर हम थोड़ा सा भी छोटा सा, और भी कोई लोग आने वाले हैं, तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा, आप सबको देखने को मिलेगा। अभी चलती हूँ मैं, फटाफट से कुछ बना लेती हूँ, या फिर सोच रही हूँ इस व्लॉग को अगर 10 मिनट्स का हो गया या फिर 8 मिनट्स का भी हो गया तो मैं आज ही इसको अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि न्यू ईयर का व्लॉग न्यू ईयर के दिन ही आना चाहिए तो अभी तो न्यू ईयर है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपने जो कहा है मैं पूरा कर पाऊँ। वॉच मिल गई, बहुत दिन से इनकी वॉच नहीं मिल रही थी, और इसमें कि मेरी वाली भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, नहीं मिल रही। और थैंक गॉड ब्लोअर महाराज की कि ठंडी ही नहीं लग रही है, हीटर भी बोलते हैं अभी लोग, कुछ लोग बोलने लगेंगे हीटर बोलिए। क्या बच्चे सही नहीं है क्या? नहीं, थोड़ी देर बैठा तो कि हेयर सूख जाए, उसके बाद फिर हटा यहाँ से, ठीक है? बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बाहर का ना आप सबको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, धूप बिल्कुल भी नहीं हुई है और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत। देखिए धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं सोच रही हूँ, अरे मुझे तो घर भी जाना है, ये बैंगन तो हो गया इतना बड़ा सा, इसको तोड़ना है, कई सारे हो गए हैं, तोड़ना है। देखती हूँ शाम में, नहीं होगा तो बना दूँगी घर का। देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ है और बहुत ठंडा मौसम है अभी। भागो चलो अंदर, अब ये रास्ते में आते जाते लड़ता है। पार्सल, शायद पार्सल वाले भैया का फोन आया। हेलो, तुम्हारे फ्रेंड का फोन है। अच्छा हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं, स्कूल नहीं गए? विद इंटर वेकेशन चल रहा है, अभी स्कूल जाएगा वो, ऑनलाइन क्लास है ना। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। अच्छा आज नहीं ऑनलाइन है, कल है। आज ऑनलाइन नहीं है, कल है। आप सबका न्यू ईयर कैसा रहा मुझे बताइएगा, और ये सूट आप सबको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, बहुत ही प्यारा सूट है ये। इधर वाशु नहा के आया है ना, तोड़ा हुआ था,
तो यहीं पे है अभी, इसको भी ले जा रही हूँ रखने के। थोड़ा सा रूम ठीक तो है लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हटानी है, जैसे वाशरूम ये अभी ला के रखे हुए हैं, उस पर टेबल पर कुछ चीज़ें ला के रखे हुए हैं, तो वो सब हटा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आप सभी से थोड़ी देर बाद। देखती हूँ कुछ शूट कर पाऊँगी अभी, तो पहले मैं जा रही हूँ चेक करने वीडियो 8 मिनट्स का हुआ या नहीं। अब भाई फर्स्ट डे है और कोई बोले इस तरीके से कि नहीं आपको न्यू ईयर का व्लॉग न्यू ईयर के दिन ही करना है, तो फिर ठीक है मैं तो ट्राई कर रही हूँ कि हो जाए मेरा 8 मिनट्स एटलीस्ट, उसके बाद मैं आप सभी को शेयर कर दूँ। हैप्पी न्यू ईयर। मैंने ना नाइट में ही सारा कट करके रख लिया था सारी वेजिटेबल्स, तो मैं बनाने जा रही हूँ ना पुलाव, हमारे यहाँ तहरी भी बोलते हैं, तो इसमें गाजर शिमला मिर्च और बीन्स है, इधर आलू मटर और गोभी, वो भी मैंने फ्राई कर दिया है। फ्राई करके बनाने का ना टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, आप सभी ट्राई कीजिएगा अगर जो फ्राई करके नहीं बनाते, नहीं तो क्या होता है ना मैक्सिमम लोग बिना फ्राई किए ही उसको मिक्स करके सारा बना देते हैं, लेकिन ऐसे भी बनाना चाहिए टेस्टी लगता है। एक चीज़ तो बताया नहीं, पहले मैंने इसमें प्याज मिर्चा लहसुन ऐड कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने ये सारे जो शिमला मिर्च गाजर है ये सब मैंने ऐड किया था, साथ में ही भून लिया था मैंने। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ना सारा मसाला ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी, और इसका भी मैंने गैस ऑफ कर दिया, ये भी हो गया है। अब देखिए मसाले जो है वो अच्छे तरीके से हो चुके हैं, तो मैं इसमें क्या करूँगी ना सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर दूँगी, और बहुत ज़रा सा मैं चावल इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा चावल नहीं। तो देखिए मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिया है, अब जितने की ज़रूरत है उतना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। कुछ लोग गीला भी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ना मीडियम साइज़ में खाना पसंद करते हैं। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी घी, थोड़ा ढेर सारा ही मैं ऐड करूँगी, क्योंकि जब घी का टेस्ट आता है ना तो वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, और सबका अपना बनाने का तरीका होता है, कहीं कहीं पर कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, कहीं पर कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं। अब मैं इसमें ना 2 सीटी दिलवा दूंगी, उसके बाद फिर ये हो जाएगा। न्यू ईयर पे गिफ्ट मिल गया मुझे दोस्तों, किसको किसको चाहिए, ले लीजिए आप सब भी, ले लीजिए। वाह, मैं वेट कर रही थी इतने टाइम से कि आ जाए तो मैं ले लूं, क्योंकि मुझे निकलना भी है कल ही सुबह में, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मैं वेट कर रही थी। अभी तो पता नहीं कितना आया है कितना नहीं, लेकिन देखते हैं। मैं आप सबको भी दिखाऊंगी कि क्या गिफ्ट आया है, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, वो नेक्स्ट व्लॉग में जाएगा, ठीक है ना। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि लोग आए जल्दी से, और खाना भी मेरा हो गया है तो फिर हम खा लेते हैं ना, उसके बाद फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। तो हमारा खाना पीना हो गया है, मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया था, इनके लिए, फिर दो लोग और आ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए मैंने बना दिया था। मैं साथ में ही खाने वाली थी लेकिन मुझे भूख लग गई थी, तो इसलिए मैंने पहले ही खा लिया, और इस व्लॉग का मैं ये भी एंड करती हूँ। आपकी रिक्वेस्ट पे जिन्होंने मेरे से बोला था कि न्यू ईयर का व्लॉग न्यू ईयर के दिन ही आना चाहिए, मुझे नहीं पता पॉजिटिव में बोली थी नेगेटिव में, लेकिन जो भी बोली थी मैंने आपका पूरा कर दिया, न्यू ईयर के दिन न्यू ईयर का व्लॉग, और गिफ्ट भी मिला, और बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, मैं आपको दिखाऊँगी इसके बाद ही जस्ट जाएगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करना है। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने कहा था ना बस 8 मिनट की वीडियो अगर हो गई तो फिर मैं अपलोड कर दूंगी, मैंने अभी एडिट किया देखा तो 8 मिनट्स का हो गया है छोटा सा व्लॉग आप सभी के लिए। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर, क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और मम्मी ने मेरे ये प्यारा सा सूट दिया है ये भी बताइए, बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि मम्मी की चॉइस है इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। वाशु जो है वर्क ले रहा है अपने फ्रेंड को सेंड करने के लिए, तो उनसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को मिलवाती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को बहुत सारे लोगों से मिलवाती हूँ मैं। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।